पौड़ी की बेटी ने गढ़वाली सिनेमा में काटा गदर, मिल गया दादा साहब फाल्के अवार्ड। उर्मी नेगी की मेहनत लाई रंग, गढ़वाली सिनेमा में नई उमंग, विरोधी रह गए दंग। क्षेत्रीय भाषा को उर्मी ने संभाला, एक के बाद एक कई फिल्में बना डाली। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं तो कुछ लोग अपने घर और प्रदेश के लिए काम करते हैं। अब देश और प्रदेश के लिए काम करने की लिस्ट में और दिलचस्प कहानी जुड़ गई। उत्तराखंड की एक बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। इस बार ना घुमाएंगे और ना ही अटकाएंगे, सीधा उस बेटी की कहानी सुनाएंगे जिसने प्रदेश का नाम रोशन किया और पुरानी यादों को ताजा कर दिया। यह कहानी है पौड़ी की बेटी उर्मी नेगी की। उर्मी नेगी को 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। अब आप सोच रहे होंगे उर्मी नेगी को यह पुरस्कार किस लिए मिला, इसके पीछे की क्या वजह है जो एक पहाड़ की बेटी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। आपको बता दें कि पुरस्कार सिनेमा जगत में दिया जाता है जो देश और प्रदेश के लिए एक मैसेज भरी कहानी देता है। इस लिस्ट में पौड़ी की बेटी उर्मी नेगी का भी नाम जुड़ गया। उर्मी नेगी के बारे में जानने से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि उर्मी नेगी ने उत्तराखंड के लिए ऐसा क्या किया जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। पूरी कहानी शुरू होती है गढ़वाली सिनेमा से, जो धीरे धीरे विलुप्त होने की स्थिति में थी। उस गढ़वाली सिनेमा को संभाला उर्मी नेगी ने, जब गढ़वाली सिनेमा मरणासन पर लेटा अंतिम सांसें ले रही थी। यह सचमुच अपने आप में बड़ा साहस था, क्योंकि अब तक जितने भी फिल्म निर्माताओं ने गढ़वाली फिल्में बनाई उनका दोबारा साहस नहीं हुआ कि वो झांक कर गढ़वाली सिनेमा की ओर देख सकें। लेकिन उर्मी नेगी ने सोच रखा था कि इस पुरानी परंपरा को हर हाल में जिंदा रखना है। उर्मी लगातार इस पर काम कर रही थी और आखिरकार वो फिल्म आ गई जिसने गढ़वाली सिनेमा में जान फूंक दी। उस फिल्म का नाम था सुबेरुघाम। इस फिल्म में पहाड़ के युवाओं को रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर रुख करना और नशे की लत में जीवन बर्बाद हो रहा है, इसको दिखाया गया। ऐसी फिल्मों की लिस्ट में फ्योली और बथु जैसी चर्चित गढ़वाली फिल्में शामिल हैं जो धीरे धीरे अपने आप को जिंदा कर रही हैं। गढ़वाली फिल्म सुबेरुघाम को कनाडा फिल्म फेस्टिवल में भी सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म के लिए चुना गया। उर्मी के निर्देशन में दर्शकों को पहाड़ के शानदार दृश्य देखने और स्थानीय गीत संगीत सुनने को मिला। साथ ही गढ़वाली फिल्मों के निर्माण के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए। अब की बार मुंबई में महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन और MB एंटरप्राइजेस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उर्मी नेगी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। निजी सचिव चंद्रमोहन जादली ने बताया, उर्मी नेगी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार गढ़वाली फिल्म सुबेरुघाम 2 के लिए मिला है, जबकि बथों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। अब जरा उर्मी नेगी को भी जान लीजिए। पौड़ी की बेटी उर्मी नेगी ने फ्योंली, सुबेरुघाम और बथों जैसी चर्चित गढ़वाली फिल्मों में अभिनय के साथ ही निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखन भी करती हैं। इन फिल्मों में पहाड़ के युवाओं को रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर रुख करना और नशे की लत में जीवन बर्बाद हो रहा है, इसके बारे में दिखाया गया। उर्मी नेगी ने बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देवानंद, राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती के साथ बाल कलाकार के रूप में काम किया है। वहीं उत्तराखंड की फिल्मों के निर्देशक गणेश वीरान समेत रंगमंच के कलाकारों ने इसे उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। कहा कि इससे राज्य की फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नई पहचान मिलेगी।